लोग बस जा रहे हैं। अभी मैंने मास्क नहीं पहना हुआ है, पहन लूँगी। और देखिए मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है, मास्क मेरे हाथ में है और ये ड्रेस पहनी हुई है और ये स्नीकर्स पहने हुए हैं क्योंकि मे भी वहाँ पे हमें चलना पड़े तो उसकी वजह से। देखिए मैंने यहाँ पर जो है मास्क पहन लिया है, नहीं तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप मास्क नहीं पहनते हो जब आप बाहर जाते हो। तो मैं अफकोर्स पहनती हूँ, बट जब भी मैं कोई रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ करती हूँ उस समय जो है वो मैं निकाल देती हूँ। और यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है ये मास्क के साथ कैसे लोग टॉलरेट करते हैं। तो आज हम डे आउट के लिए जा रहे हैं तो बस मैं वही आपके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पर जो है हम पार्किंग में पहुँच चुके हैं और फिर उसके बाद जो हमारी कार है वो कवर रहती है। वैसे तो हम कार क्लीनिंग करवाते थे बट ये कोविड के चक्कर में कहीं हमारा जाना ही नहीं होता है तो कार जो हमारी कवर रहती है तो उसका कवर निकाल कर जो है हम अपनी दूसरी कार में डाल रहे हैं और हम इस कार से जाएंगे। सब लोग कार में बैठ चुके हैं और बस हम निकल चुके हैं। इट्स आवर बैक साइड। मैं देख रही थी बाहर कितना अच्छा व्यू है। वाओ, कितने दिनों बाद बाहर निकली हो मिस्टी। सो यू लाइक डे? या। मी टू। अमनी तुम? मुझको भी। तुमको भी? तुम्हें तो रोने का मन कर रहा होगा। हाँ मनन? हाँ। नो? ओके। तो रास्ते में अगर कुछ ऐसा अच्छा लगा या पढ़ा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। ये घर कंटेनमेंट जोन में, ये लाल लाल कलर का। हां, इट्स टू क्लोज। गाने सुनते ही ना मैं पगला जाती हूँ, मतलब बस मुझे लगता है बस डांस करते रहो और उस टाइप से। और गाना म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, इसलिए गाना जो है वो भी म्यूट करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो ये वाली जगह है यहाँ पर हम जाने वाले थे बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड है तो इसलिए हम नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल। तो नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल, नहीं जाएंगे, देखते हैं आगे। अभी हम लेक साइड जो है वहाँ पे जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। तो ठीक है, लॉन्ग ड्राइव हो गया, अगर सही लगता है तो चले जाएंगे, नहीं तो देखते हैं। और ये बहुत सारे लोग जो हैं मास्क नहीं लगाए हैं, काफ़ी ऐसे ही घूम रहे हैं। इट्स नॉट दैट मच सेफ। बच्चों के साथ चलना आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा, है तो बहुत खड़ी चढ़ाई बट सीढ़ियाँ अच्छी हैं। सीढ़ियाँ तो अच्छी हैं, चढ़ने में तो एकदम लंका लग जाएगी। दैट मच रियली दैट वुड टेक सो मच टायरिंग बट आई डोंट थिंक आई विल गेट टायर्ड। बहुत एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं भाई। तुम कहाँ लेके जा रहे हो? सीट में नहीं रखो। कहाँ लेके जा रहे हो? और बैक करने की जगह भी होगी, चले तो जा रहे हो दंदन आते हो। अब उसने खड़ी कर दी, अच्छा वहाँ जगह है क्या? टिक 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 फिसल हो रही है ऊपर।
बल्ब है। आगे कुछ है क्या? आगे है कुछ? लेक है ना? ओके थैंक यू। आगे लेक है। लेक 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 लेक। यहाँ पहाड़ है। जुम्बू जुम्बू। मम्मी इट वुड बी सो मच फन टू रॉक क्लाइंबिंग। ओह यू वन। वाओ वाओ फाइनली वी गॉट द प्लेस। Wow. That's awesome. Papa, remember not to fall off from the. Papa, let's go to close to the lake. ये देखो रोड की हालत। नॉर्मल कार तो इसमें ना चल पाएगी। Yeah. Papa, rough road mode. मोड। अरे यार रफ रोड की मोड की दादी। Wet mode activated. Wet नहीं रे, रफ बोली हूँ। एक के बाद एक तो लगता है। Activated. मिस्टी को बहुत मोड़े याद रहती हैं। रफ मोड़ ये मोड वो मोड। रफ मोड और वेट। यहाँ कुछ काम चल रहा है क्या? हो रहा है यहाँ कुछ काम चल रहा है क्या? बट वी कैन स्टिल गो टू क्लो। पापा लेट्स गो क्लोज टू द लेक एंड अवे फ्रॉम वन फैमिली ओवर देयर। ओके बिकॉज़ आई सॉ सम पीपल। ओके एंड देन व्हाट शुड वी डू? हमने यहाँ पर देखी अपनी जो कार है वो पार्क करी है, तो अगर हम कार में भी बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा। और पीछे साइड में जो है इतने सारे पहाड़ हैं और आई मीन वेरी कूल प्लेस। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं पीछे साइड में जो है कितना अच्छा व्यू है। बहुत 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 सही जगह है। यू कैन सी फॉर अ डे आउट इट्स वेरी कूल प्लेस। हाँ देखो नाक में क्या हुआ तुम्हारे? मास्क का जगह पे शो मी बेबी मिस्टी कैन आई हेल्प यू? पापा क्या कर रहे हैं? पापा की क्या कर रहे हैं बताओ? आप बताओ। कुछ कर नहीं पता। अरे आपको तो पता होगा। क्या बोलूं मैं मेरे वीडियो में? मनन क्या कर रहा है? मनन क्या कर रहा है? I'm right here. Don't forget about me. No, I'm not forget. उड़ोगी उड़ोगी उड़ोगी। नीचे तो रखो बेटा। नहीं अभी नहीं, पहले खाना खाओगे। वाओ आई मीन कैन आई टेक आउट माय शूज? या प्लीज और कैन आई टेक आउट माय शूज? हम लोग लेके आए पूड़ी एंड आलू की सब्जी। अचारी आलू की सब्जी। अचारी आलू। ओके अचारी आलू। बाहर क्योंकि खाना खा नहीं सकते साथ में सैनिटाइजर भी। आई मीन सैनिटाइजर और मास्क तो ऐसा हो गया ना, मास्क लगाओ सैनिटाइजर, मास्क सैनिटाइजर। रोल बना लो। रोल बनाना। या रोल बना लो। या द पूरी कैन आल्सो बी लाइक अ स्पून। हां या मामा पूरी कैन आल्सो बी लाइक अ प्लेट टू जस्ट टेक समथिंग टेक सम आलू ये फोकस क्यों नहीं हो रहा? एंड देन ईट इट। लो ग्लास लेके आया? नहीं ग्लास नहीं लेके आया, घर घर में थोड़ी ना बेटा ग्लास लेके आया। अरे यहाँ हमारा घर होता तो कैसे लगता? कैसा लगता बेटा? थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। एक दूसरे को फेल मत देना पत्थरों से। इधर देखो। Wow,
टाइम ऐसा होता है कि जब आप कहीं घूमने जाते हो ना, थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे जो वो लोग बैठे हुए ना, भाई साहब इतना तेज तेज बात कर रहे हैं ना, जो मैं यहाँ पे खड़े होकर एंटरटेन हो रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे से बात कर रहे, इतना तेज तेज कौन बात करता है घर के बाहर जाकर। मतलब ठीक है करो, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप कभी बाहर जाओ तो आपको थोड़ा इतना स्लो बात करना चाहिए कि जो है किसी और को ना सुनाए। बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए, और ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और अगर आप भी कहीं आसपास रहते हैं बेंगलोर के, तो आप डेफिनेटली इस जगह में जा सकते हैं। और सोशल डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा हो रहा था यहाँ पर, कोई भी किसी के पास नहीं आ रहा था, तो सेफ भी जगह है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर जा सकते हैं। तो हम लोग बहुत देर हम लोग यहाँ पे बैठे थे, अब वापस जा रहे हैं। और वेदर तो काफ़ी काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन घर पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी दूर है। तो अच्छा होगा कि उजाले में ही पहुँच जाएँ, बट आई डोंट थिंक सो कि उजाले में पहुँचें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल जो है उतना ट्रैफिक हो नहीं रहा है कोविड की वजह से, बट वो भी है, जगह बहुत ही अच्छी थी और इन्जॉय किया हमने, हमें बड़ी मज़े आए। और आई थिंक आपको भी आए होंगे, और अगर आप मेरे इंस्टा में होंगे तो मैं वहाँ पे लाइव भी गई थी, और आपने देखा ही होगा, क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। मिस्टी तुम आगे बैठ रही हो, ठीक है तो मैं पीछे बैठ जाती हूँ, आप मेरे साथ बैठो पीछे। सेटल हो गए, लाइट क्यों ऑन है। हाय बेटा, सेटल हो गए बेटी, जो लो मेरा बेटा पीछे बैठे हुए, क्योंकि काफी ज्यादा पहाड़ थे। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या शानदार जगह है, जानदार जगह। Which rainbow dash? अब किससे बोल रहे थे? सामने से। मैंने ये मुझे आज सुना है। अंकल थे जो यहाँ वॉक कर रहे थे। ओके। मेट्रो। मेट्रो? Yes 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 40. Whatever. काफ़ी अच्छी जगह थी और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूमने में। और वेदर भी जो है वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल ही धूप नहीं थी, तो सारा दिन जो है कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मैंने वहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करी थी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है तो आपको ये पिक्चर्स ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही ली होगी, और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज लाने की कोशिश करती हूँ। हम लोग जल्दी ही पहुँच जाएंगे घर, क्योंकि काफ़ी जल्दी निकल गए थे वहाँ पे, जो हमारे निकल के बाद जो है बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत सही टाइम पे जो है हम लोग निकल गए थे। और आज का जो पूरा डे है हमने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मज़े आए। तो इसी के साथ जो है आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आई होप आप लोग को भी मज़े आए होंगे। तो सेफ गर्ल रिस्पेक्ट थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।